नमस्कार, मैं विकास इजी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आज हम एक कैंपस प्लेसमेंट के विषय में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कैंपस प्लेसमेंट जो है आईटीआई स्टूडेंट के विषय में है। तो यहाँ पर जो आईटीआई स्टूडेंट जॉब करना चाहता है उसके लिए ये कैंपस प्लेसमेंट है। वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर इस कैंपस प्लेसमेंट में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपका एज कितना रहना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने आईटीआई किस ट्रेड से किया है, और यहाँ पर जो भी इसका डिटेल है पूरा मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है कैंपस प्लेसमेंट यानी कि कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई अलीगंज द्वारा इसको प्रेषित किया गया है। तो यहाँ पर ये 1 सितंबर 2021 को इसको पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में आपको इस कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाना होगा। तो ये कैंपस प्लेसमेंट है, ये टाटा मोटर्स के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी उम्र कितनी रहनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर बोला गया है कि आयु 1 जुलाई 2021 को, यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2021 को आवेदक की आयु वर्ष 18 से 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए, यानी कि अभ्यर्थी की जो जन्म तिथि है 1 जुलाई 2003 से 2 जनवरी 1993 के मध्य होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता है क्लास 10, भारत सरकार के किसी भी राज्य बोर्ड से, CBSE, ICSE बोर्ड, किसी भी या अन्य राज्य जैसे राज्य बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आपने 10th क्लास की जो क्वालिफिकेशन है पास कर रखी हो। तो यहाँ पर फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर तकनीकी योग्यता यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपने निम्नलिखित ट्रेडों में NCVT और SCVT से आपने ITI न्यूनतम 60% अंकों के साथ में परीक्षा उत्तीर्ण की हो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो शारीरिक स्वच्छता है वो आवेदक कंपनी के कार्यालय की आवश्यकता अनुसार आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हो आपका, यानी कि मेडिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। जॉब ट्रेनिंग की जो अवधि रहेगी वो आपके यहाँ पे जॉब ट्रेनिंग की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद में आपको कंपनी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, यानी कि आपको 1 ईयर का एक एक्सपीरियंस लेटर भी प्रदान किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या है और लिखित परीक्षा रिपोर्टिंग जो टाइम है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया वो है त्रिस्तरीय, यानी 3 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पर प्रक्रिया है। निम्नलिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं मेडिकल के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाना है। तो यहाँ पर जो आपका दिनांक कैंपस प्लेसमेंट का है वो 9 सितंबर 2021 गुरुवार को प्रातः 9:30 बजे आपका कैंपस होगा। तो यहाँ पर किस किस ट्रेड के कैंडिडेट आएंगे, जो आपका 9 सितंबर को होगा कैंपस, उसमें यहाँ पर फिटर, मोटर व्हीकल और मैकेनिक डीजल इंजन, वेल्डर, पेंटर जनरल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, यानी इतनी ट्रेड के कैंडिडेट 9 सितंबर 2021 को इस कैंपस में भाग ले सकेंगे। लिखित परीक्षा आयोजन स्थल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ, यानी कि आपका जो रिटर्न परीक्षा यानी रिटर्न टेस्ट होगा वो राजकीय आईटीआई अलीगंज में ही होगा और आपका इंटरव्यू ये सब यहीं पे होने वाला है। उसके बाद में आपका चयन प्रक्रिया दूसरा भाग में, यानी कि जो 10 सितंबर को आपको कैंपस में आना है, किस किस कैंडिडेट को, जिसकी इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट और आपके मशीनिस्ट ग्राइंडर टर्नर ट्रेड से अगर आपने आईटीआई की है तो आपको 10 सितंबर को यहाँ कैंपस में भाग लेना होगा। ये आपको अलीगंज आईटीआई में आना पड़ेगा, आप यहीं अलीगंज आईटीआई में आके कैंपस में प्लेसमेंट में भाग ले सकेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट चयनित किए जाएंगे उनको यहाँ पर 10,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय यानी कि स्टाइपेंड दिया जाएगा एवं 500 रुपये गुड अटेंडेंट अवार्ड, यानी कि आप फुल ड्यूटी करेंगे तो आपको कुल 11,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर मिलने वाला है। स्कीम एवं पात्रता यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा ग्रुप में इसको मैं प्रोवाइड कर देंगे, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। आपको आवश्यक प्रपत्र क्या क्या लाना है, यहाँ पे आवश्यक प्रपत्र जो है आप अपने मूल एवं फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट लेके आना है, 10वीं उत्तीर्ण
परीक्षा का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आईटीआई का अंक पत्र, प्रमाण पत्र लेके आना है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड भी लाना है, पासपोर्ट आकार की दो कलर फोटो, यानी कि दो कलर्ड फोटो भी लेके आना है। परीक्षा स्थल पर तय आधार कार्ड जब भी कारखाना परिसर में आए तो लाना होगा, ठीक है। समस्त अभ्यर्थी कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही 2 गज की दूरी का अनुपालन करेंगे। यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी 9 सितंबर 2021 और 10 सितंबर 2021 को उपरोक्त दिए गए विवरण के अनुसार शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्यन त्रिपाठी प्रधानाचार्य के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो नमस्कार, धन्यवाद।